हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सीआरपीएफ में 1.30 लाख सिपाही जनरल ड्यूटी की भर्ती होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि 10% सीट अग्निवीरों से भरा जाएगा। हालांकि अभी आवेदन शुरू होने की खत्म होने की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी है। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक सिपाही के कुल 1,29,929 पद पर भर्ती, इनमें से 4,667 पद महिलाओं उम्मीदवारों के लिए है। उम्मीदवारों का मैट्रिक पास होना जरूरी है, उम्र 18 से 23 साल के बीच होना चाहिए। उम्मीदवार का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और मेडिकल जांच के माध्यम से होगा। शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा पास करने के बाद ही अगले चरण की परीक्षा में बैठ पाएंगे। और पूर्व अग्निवीरों को 10% कोटा शारीरिक परीक्षा में भी छूट मिलेगी। भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक की छूट जाएगी। अन्य पूर्व अग्निवीरों के लिए ऊपरी आयु सीमा 3 वर्ष की छूट जाएगी। इसके लिए पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दिया जाएगा। तो ये तो जान गए कि आपको मैट्रिक में पास होना है, 18 से 23 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगर अग्निवीर है तो आपको 28 वर्ष भी जनरल में है तो कर सकते हैं। और ये पद जो होता है लेवल 3 का होता है, केंद्रीय जो पुलिस भर्ती में जो होती है वो लेवल 3 के पद भरे जाएंगे। मतलब 2400 GD का जो है वो होगा। उसके बाद इसमें क्या क्या रहता है, ये तो सीआरपीएफ के कहाँ कहाँ भर सकते हैं, तो सीआरपीएफ रिक्रूटेड CRPF.com इन पर जाना है आपको। और ये नोटिफिकेशन है, 18 से 23 साल है, जो कि ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, मतलब ओबीसी की 26 हो जाएगी। और इसमें पहले जो कि आपको फीस, आप सबसे पहले आवेदक को लिखित परीक्षा हो जाएगी। जो लोग सीआरपीएफ जीडी कांस्टेबल में लिखित योग्य हो जाएंगे वे अगले दौर में चयनित होंगे। दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट उम्मीदवारों के चयन के लिए अगले चरण, मतलब दस्तावेज सत्यापन होगा। लास्ट में होगा आपको मेडिकल होगा। और इसका फिजिकल क्या होता है, क्योंकि इतना तो जरूरी है, हालांकि जो अग्निवीर है उनको छूट दिया जाएगा। 170 सेंटीमीटर पुरुष की ऊंचाई है, यही मेन है। अगर इतनी है तभी आप कर भर सकते हैं। अग्निवीरों को छोड़कर महिला उम्मीदवारों के लिए 157 सेंटीमीटर SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग के छूट दिया जाता है। ये रहेगा। छाती है जो कि आपको 5 सेंटीमीटर बढ़ाना है, पुरुष के लिए 80 है और महिलाओं के लिए इसमें कुछ नहीं। दृष्टि जो कि 6x6 या 6x9 तक होना चाहिए। टैटू ये सब नहीं होना चाहिए। और क्या है, तो 5 किलोमीटर है जो कि दौड़ना 24 मिनट में, और महिलाओं को जो कि 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में जो कि 1.6 किलोमीटर है जो कि दौड़ना है। तो ये फिजिकल है, और मेनली सबसे बड़ा यही है कि आपको हाइट इतनी है तभी आप है जो कि ये भर, नहीं है तो फिर आप नहीं भर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बीपीएससी की आने वाली सभी परीक्षाओं में कॉपियों का ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। अभी 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा कॉपियों का ऑन ऑन स्क्रीन हो रहा है। इसमें 30 कंप्यूटर लगाए गए हैं, जिनमें GS 1, 12, GS 2 और 6 विकल्प विषयों के मूल्यांकन में इस्तेमाल हो रहा है। आयोग ने धीरे धीरे कंप्यूटरों की संख्या बढ़ाने और आगे निकलने वाले विज्ञापनों के अंतर्गत होने वाले सभी परीक्षाओं का मूल्यांकन ऑन स्क्रीन कराने का ही निर्णय लिया है। अभी ऑन स्क्रीन मूल्यांकन में लग रहा है अधिक समय। वर्तमान में जो परीक्षाएं ली जा चुकी उनमें अधिकतर ऑफ स्क्रीन मूल्यांकन ही हो रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या होगा कि वहाँ पर है जो कि मतलब पहले ऑफलाइन में होता था, कंप्यूटर पर आ जाएगा, स्क्रीन पर आ जाएगा, वहाँ पर है जो कि आपको सुविधा दिया जाएगा कि आप इस पर चेक कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, मतलब कंप्यूटर पर भी ये सेव रहेगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बीएड कॉलेज में प्रवेश के लिए परीक्षा जो कि कल होगा। तो राज्य के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा शनिवार को आयोजित होगा। साथ ही उस दिन शिक्षा शास्त्री के लिए भी उसी दिन है जो कि परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा जो कि 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होगी। 1,84,233 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षार्थियों को निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पूर्वाह्न 9 बजे तक उपस्थित होना है और किसी भी परिस्थिति में 10:30 बजे के बाद अनुमति नहीं दी। पटना में 66 परीक्षा केंद्र, 53,000 परीक्षार्थी देंगे। कुल परीक्षार्थियों में 96,698 महिला हैं, 87,535 पुरुष हैं। CET BEd
जो है नोडल जो पदाधिकारी हैं वो 11 शहरों में कर रहे हैं आयोजित। कहाँ कहाँ होगा? पटना, हाजीपुर, गया, आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, मधेपुरा। कुल 301 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर रहेगा रोक रहेगा। प्रवेश पत्र की 2 प्रति डाउनलोड करना है। कार्यालय प्रति परीक्षा हॉल में भी चेक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि ई प्रवेश पत्र फोटो अंकित नहीं है तो दोनों प्रति अधिकतर रंगीन फोटो के साथ चिपका कर लाएंगे। किसी भी तरह का अगर परेशानी हो तो ये नंबर जो दिया हुआ है 700-452-1088, इस पर है कि आप कॉल कर सकते। और नीले या काले बॉल पेन से गहरा निशान बनाना है। साथ ही निरीक्षक की उपस्थिति में ही जो कि हस्ताक्षर करना है। और इसमें जो टोटल जो सीटें कहाँ कितनी हैं कितने कितने किस शहर में बैठेंगे ये भी दिया हुआ है। आरा में है जो कि 11,691, भागलपुर में 9,779, तो इस तरह से जो कि। और दरभंगा शहर के एक परीक्षा केंद्र को शिक्षा शास्त्री के आवेदकों के लिए भी आवंटित किया गया है। इसी तरह है जो कि आपको बीएड प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश का भी है जो कि 15 जून को होगा। नतीजा है जो कि 30 को आएगा। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, 15 मई से आवेदन इसका शुरू हो जाएगा और 30 जून को प्रवेश परीक्षा होगा। और ये सॉरी 15 मई से आवेदन शुरू हो, 30 जून को प्रवेश परीक्षा होगा। 10 जुलाई से जो कि काउंसलिंग, ये उत्तर प्रदेश का। तो इसी के साथ धन्यवाद।